नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइव सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू विंटर वेकेशन। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। दोस्तों, अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। यहाँ आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, कई सारे सेंटेंस हैं जो विंटर वेकेशन से रिलेटेड हम बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो इस साल तुम्हारा जाड़े की छुट्टी में क्या प्लान है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो इस साल क्या तुम जाड़े की छुट्टी में घूमने जा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो हम सभी गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों आपको कहना हो क्या तुम हमारे साथ गोवा चलोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग यह सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा इस साल तुम्हारा जाड़े की छुट्टी में क्या प्लान है, तो इसकी इंग्लिश होगी? दोस्तों, अगर आपने कहा इस साल तुम्हारा जाड़े की छुट्टी में या सर्दियों की छुट्टी में क्या प्लान है, तो आप कहोगे व्हाट इज योर प्लान इन दिस विंटर वेकेशन। दोस्तों, व्हाट का मींस होता है क्या, इज का मींस होता है योर प्लान यानी तुम्हारा प्लान। तुम्हारा प्लान को हम इंग्लिश में कहेंगे योर प्लान। So, आप कहेंगे व्हाट इज योर प्लान यानी तुम्हारा प्लान क्या है इन दिस विंटर वेकेशन। इन दिस विंटर वेकेशन यानी इन इस साल गर्मियों की छुट्टी में, इस गर्मियों की छुट्टी में। ऐसे ही अगर आपने कहा इस साल जाड़े की छुट्टी में क्या तुम घूमने जा रहे हो, तो इस साल को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस ईयर कॉमा क्या तुम घूमने जा रहे हो, तो उसकी इंग्लिश होगी आर यू विजिट, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो उसकी इंग्लिश होगी आर यू गोइंग टू विजिट प्लेस, आर यू गोइंग टू विजिट एनी प्लेस दिस विंटर। दोस्तों, अगर आपने कहा इस साल, तो दोस्तों इस साल को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस ईयर क्या तुम घूमने जा रहे हो, तो उसकी इंग्लिश होगी आर यू गोइंग टू विजिट एनी प्लेस, आर यू गोइंग टू विजिट एनी प्लेस, क्या तुम कोई प्लेस घूमने जा रहे हो दिस विंटर यानी इस सर्दियों की छुट्टी में इस साल। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा हम सभी लोग गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम सभी को हम इंग्लिश में कहेंगे वी ऑल आर प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी वी ऑल आर प्लानिंग टू विजिट। दोस्तों, विजिट का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। वी ऑल आर प्लानिंग टू विजिट गोवा, हम लोग गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। वी यानी हम, ऑल यानी सभी, हैं का मीन्स होता है यहां आर, प्लानिंग यानी प्लान कर रहे हैं, तो वी ऑल आर प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं गोवा जाने का, तो टू विजिट गोवा। सो दोस्तों, इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। ऐसे ही अगर आपने कहा क्या तुम हमारे साथ गोवा चलोगे, तो ये आने वाला समय है, इसके लिए हम लोग विल यूज करेंगे। विल यू गो टू
गोवा विद अस। अगर आपने कहा क्या तुम हमारे साथ गोवा चलोगे, तो क्या को हम इंग्लिश में कहेंगे विल, यू का मीन्स होगा तुम, चलोगे जाओगे तो उसकी इंग्लिश होगी गो, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, टू गोवा विद अस, विद अस यानी हमारे साथ। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्ते इंग्लिश, आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।